एसएससी में सिलेक्शन के लिए नया नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन इस एलिजिबल है और कब तक इसका डेट है। इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाला है 2065 टोटल पोस्ट है। ये 337 कैटेगरी वाइज पोस्ट रहेगा, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ग्रेड रहेगा, अलग अलग पोस्ट रहेगा, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होंगे। इसलिए ज़्यादा जानकारी ले के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज एक्स ऑनलाइन फ्रॉम 2022। ये पोस्ट जो डेट हुआ 10/5/2022 को ये पोस्ट रिलीज हुआ। जो लास्ट डेट है, लेटेस्ट अपडेट हुआ 12/5 को हुआ। टोटल वैकेंसी के बात करें तो 2065 है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ रहने वाला है आपको। ये वुमेन SC ST PWT एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए नील है, कोई फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, आप ऑनलाइन के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं या SBI ब्रांचेस से चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 12/5 से हुआ है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 13/6/2022 से लास्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फी है आपका 15/6/2022। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफलाइन चलन है आपका 16/6/2022। जो करेक्शन डेट है, मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो गया, कुछ हो गया, तो उसके जो करेक्शन डेट है वो 20/6 से लेकर 24/6 तक रखा गया है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा फर्स्टली वो 8/1/2022 में होगा। इसका अपडेट आपका SSC के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक करते रहेंगे या हम भी अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद देख लीजिए वैकेंसी डिटेल के बारे में हम शॉर्ट में बता देते हैं। पोस्ट नेम, वैकेंसी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या क्या रहने वाला है। ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर के 10 पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी चाहिए, एज आपका 18 से 30 साल होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट 1 पोस्ट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर 1 है, साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर 1 है। इसके बाद जूनियर केमिस्ट 5 है। ये सभी के लिए आपका जो एडुकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होना चाहिए और एज सेम है, 18 से 30 वर्ष तक होना चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चर असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, इसके लिए भी हायर सेकेंडरी चाहिए और एज 18 से 25 होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन चाहिए, 18 से 30 साल की उम्र होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसका 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट का 28 पोस्ट है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क 1 है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का 2 है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का 7 पोस्ट है। इनका जो एडुकेशन लेवल है हायर सेकेंडरी है। लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 18 से 30 साल, फार्मासिस्ट के लिए 18 से 25 साल, फार्मासिस्ट कम क्लर्क के लिए 18 से 25 साल, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 20 से 30 साल, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसके बाद स्टाफ, इसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ कार ड्राइवर, 1 पोस्ट है। यह 10th क्लास पास चाहिए। लेडी मेडिकल अटेंडेंट, इसका 7 पोस्ट है, ये भी 10th क्लास चाहिए, उम्र 18 से 25 साल होना चाहिए। अगर इसके पोस्ट रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, स्टेट वाइज कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके बारे में जाके आप पढ़ सकते हैं।
इनका देख लीजिए, एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in में जाके भी आप इनका ये डिटेल देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, जाने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाएंगे, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे, फेस 10/2022 में जाएंगे, इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में जाएंगे, उसके बाद पोस्ट डिटेल्स लिंक में क्लिक करेंगे, एडुकेशन लिख दीजिए अलग से, एडुकेशन 10th 12th एंड ग्रेजुएट चाहिए। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्टली आप इनके वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएंगे, नेक्स्ट में आपको उस उनके साइट पे आप रजिस्टर करेंगे और पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप 10/2022 परीक्षा के लिए आवेदन करें वहाँ पर जाएंगे, इसके बाद आपका जो आवश्यक क्रेडेंशियल है उसका भरेंगे, जो आपका डिटेल्स है वो बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, गलती नहीं करना है, बिल्कुल सही से भरना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको सही से अपलोड करेंगे, इसके बाद आपका जो फी पेमेंट है वो फी पेमेंट कर देंगे, इसके बाद इसको फी जमा करने के बाद आपको सबमिट कर देंगे फॉर्म को, और उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लेंगे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। यही था शॉर्ट में ये एसएससी के बारे में, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।